दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर कमांडर बशीर लश्करी की घेराबंदी, पलपुरा गांव के एक घर में छिपे होने की आशंका। बशीर लश्करी समेत लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के घर में छिपे होने की खबर। मुठभेड़ के दौरान एक महिला की मौत। दक्षिण कश्मीर में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा पर रोक, सभी स्कूल कॉलेज भी बंद कराए। रोजगार समेत 6 पुलिस वालों की हत्या में शामिल था लश्कर कमांडर बशीर लश्करी, आतंकी पर 10 लाख का इनाम। अनंतनाग में 16 जून को 6 पुलिस के जवानों पर हमला हुआ था, आतंकियों ने शहीदों के शव के साथ बर्बरता भी की। नए LOC के रास्ते भारत पाक में व्यापार को बंद करने की सिफारिश करेगी, कारोबार की आड़ में आतंकी फंडिंग के सबूत मिले। सी न्यूज ने कारोबार की आड़ में आतंकी फंडिंग का खुलासा किया था, NIA भारत पाक के बीच व्यापारिक गतिविधियों की जांच कर रही है। नई जांच आखिरी चरण में 2008 से LOC पर सलमाबाद और चक्कंदाबाग में वस्तु विनिमय व्यापार की शुरुआत हुई। देश में आज से एक मार्केट एक टैक्स, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने GST लॉन्च किया। पीएम मोदी ने GST को नया नाम दिया गुड एंड सिंपल टैक्स, संसद के सेंट्रल हॉल में तालियों से स्वागत हुआ। पीएम ने GST से आम लोगों पर बोझ पड़ने की आशंका को खारिज किया, कहा इससे गरीबों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा GST लागू होने से पिछड़े राज्यों को भी फायदा होगा, ईमानदार आदमी बेवजह परेशान नहीं होगा। पीएम ने कहा GST भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता और ज्ञान की भेंट है, हर तबके को मिलेगा फायदा। पीएम ने GST को निवेश के लिहाज से भी मील का पत्थर बताया, कहा सिस्टम आसान होने से विदेशी निवेश बढ़ेगा। पीएम ने सारे दलों को GST का श्रेय दिया, कहा GST किसी एक सरकार की नहीं सबके प्रयासों का नतीजा। पीएम ने GST को देश की एकता से जोड़ा, कहा जैसे सरदार पटेल ने राज्यों को जोड़ा वैसे ही बाजार को GST जोड़ेगा। पीएम ने GST को काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताया, कहा इससे बाजार में ईमानदारी बढ़ेगी। पीएम ने GST लागू होने को टीम इंडिया की बताया, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और जनता को शुक्रिया कहा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने GST लागू होने को ऐतिहासिक पल बताया, कहा GST हमारे लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा आधुनिक तकनीक GST को आसान बनाएगी, इसके पास होने का मुझे व्यक्तिगत संतोष है। राष्ट्रपति ने GST के विरोध को खारिज किया, कहा शुरू में VAT लागू करने का भी विरोध हुआ था। वित्त मंत्री जेटली ने गरीबों को GST से निश्चिंत रहने के लिए कहा है, कहा नए टैक्स सिस्टम से किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया GST के लॉन्च में, लेकिन NCP शामिल हुई, आडवाणी के साथ बैठे शरद पवार। तृणमूल कांग्रेस, RJD, DMK और वामपंथी दलों ने भी बहिष्कार किया, लेकिन NCP, JDU और JDS शामिल हुए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने GST को देश के लिए आर्थिक आजादी की तरफ पहला कदम बताया, कहा इससे सभी को फायदा होगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा GST को लेकर छोटे व्यापारियों के मन का डर दूर करना होगा, ये भरोसा जगाना सरकार का काम है। GST लॉन्च होते ही दिल्ली में जश्न, व्यापारी संगठनों ने आतिशबाजी से जश्न मनाया, एक देश एक टैक्स सिस्टम का स्वागत किया। मुंबई के व्यापारियों ने भी रात को GST लागू होने का जश्न मनाया, मॉल्स और मार्केट में देर रात तक दिखी रौनक। GST लागू होने के बाद पुणे में BJP कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, पटाखे फूटे। GST लागू होने पर PM के संसदीय क्षेत्र में भी जश्न, वाराणसी में व्यापारियों ने आतिशबाजी की। GST के विरोध में आज श्रीनगर के व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स का बंद, आर्टिकल 370 के तहत छूट की मांग। GST पर सरकार आज लॉन्च करेगी मेगा कैंपेन, पीएम मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शाम 5 बजे उद्घाटन करेंगे। सारे राज्यों में भी एक साथ शुरू होगा GST मेगा कैंपेन, सभी राज्यों की राजधानी में केंद्र सरकार के एक एक मंत्री मौजूद रहेंगे। GST लागू होने से पहले किसानों को 2 सौगात, GST काउंसिल ने खाद और ट्रैक्टर के पार्ट्स की खरीद पर टैक्स दर घटाई। खाद की खरीद पर टैक्स की दर 12 से घटकर 5%, ट्रैक्टर पार्ट्स पर टैक्स की दर 28 से 18% हुई। चीनी, गुड़, फल, सब्जियां, मुरब्बा, अचार, मिठाइयां समेत मिनरल वाटर भी आज से सस्ता हुआ। नहाने का साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, माचिस, केरोसिन, चिमटा, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल समेत काजल, LPG स्टोव भी सस्ते हो गए। 500 रुपए से कम कीमत वाले जूते, चप्पल, रेडीमेड कपड़े सस्ते हुए। TV, छोटी कार आज से महंगी।
अर्थव्यवस्था के चार कोर सेक्टर में धीमा हुआ विकास, मई महीने में 3.5% तक गिरी विकास था। चीन की युद्ध को लेकर चेतावनी पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली का जवाब, कहा 2017 का भारत 1962 के भारत से अलग है। केरल के कोच्चि में पनामा के शिप की टक्कर से 3 मछुआरों की मौत, शिप के 2 क्रू मेंबर हिरासत में, कल पेश किया जाएगा कोर्ट में। फोर्ब्स ने एशिया के 40 परोपकारी लोगों की लिस्ट जारी की है, इसमें सिल्क ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का नाम भी शामिल, 5 अन्य भारतीयों को भी जगह मिली है। मौसम में सुधार के साथ अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू, कुल 4,477 श्रद्धालुओं की 3 और 4 जत्थे को रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कर से परेशान किसान ने आत्महत्या की, 1 महीने में अब तक 3 किसान जान दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इमारत गिरी, 1 व्यक्ति घायल। बिहार के बक्सर में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया गया, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिव सैनिकों ने 2 टीचर्स को पीटा, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप। झारखंड के खूंटी में प्रतिबंधित संगठन PLFI के 6 उग्रवादी गिरफ्तार, पिस्टल कारतूस के अलावा 2 बाइक भी बरामद। गुरुग्राम में शराब के नशे में धुत युवक ने पुलिस से बदसलूकी की, चालान काटे जाने से नाराज था, नेता का बेटा बताकर रौब झाड़ तरा। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर शराबी पुलिस वाले का हंगामा, स्थानीय लोगों ने पकड़ा, थाने लेकर गए।